हेलो और नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू चैनल में आपका स्वागत है। और गाइज, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है तो आपके लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन के बाद में ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसमें कि आपका करियर बन सके और जिसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको करियर पॉइंट्स मिल सकें, जहाँ से कि आपको एक अच्छी राह, एक अच्छा करियर मिल सके। लाइक ग्रेजुएशन के बाद में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में यही सवाल होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में ऐसा क्या करें जिससे कि उनका करियर बन सके। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ऐसे टॉप पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद में इस समय बहुत ही ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब तक स्टूडेंट 12th में होता है तो उसका सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है, सिर्फ एक ही जो है टारगेट होता है कि उससे 12th के बाद में ग्रेजुएशन करनी है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद में उसका फिर यही टारगेट होता है कि ग्रेजुएशन के बाद में वो ऐसी कौन सी स्टडी करे जिसके अकॉर्डिंग उसे जो है एक अच्छा करियर पॉइंट मिल सके और उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। तो भाई, आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ पर डिपेंड है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपको ग्रेजुएशन के बाद में करने चाहिए, जहाँ से कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा करियर पॉइंट मिल सकता है और आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब या फिर सैलरी जो भी हो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो भाई, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि आपको ग्रेजुएशन के बाद में कौन से कोर्सेज करने चाहिए जो कि इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। तो भाई, जो डिमांड में कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप वेबसाइट पर देख रहे होंगे, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर ऐसे कोर्सेज हैं जो कि 2019 के समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हैं और आगे भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में चलते रहेंगे जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में है, ठीक है। तो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ ऐसा कोर्स करें जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी यानी कि जॉब करने में कोई भी पाबंदी ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी जो है आपको दिक्कत ना झेलनी पड़े, आपको जॉब आसानी से मिल जाए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कोर्स रहेगा वो PGDM रहेगा। PGDM कोर्स आप कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, काफ़ी चल रहा है ये। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी फीस भी नहीं देनी, बड़ी आसानी से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से, आगरा यूनिवर्सिटी से, बरेली यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी से, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये कोर्स, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन के बाद में होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी आपको जो ड्यूरेशन रहेगी यानी कि कितनी साल की है ये, तो अगर हम बात करें तो ये 2 साल की है सिर्फ, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, सिर्फ 2 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें, आपको क्या चाहिए, तो बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि आप डिग्री कर चुके हो, इसके बाद में आप इस कोर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है, PGDM। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे की, MBA की। तो गाइज, अगर आप एक HR, एक मार्केटिंग जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट जो कोर्स और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो जॉब रहेगी वो MBA की रहेगी। गाइज, MBA अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। MBA की इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है और MBA का ऐसा कॉम्पिटिशन बैचलर ऑफ डिग्री है जहाँ से कि आपको कॉम्पिटिशन भी काफ़ी मिलता है। MBA की सबसे ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स मिलते हैं और यहाँ पर आपका जो करियर है वो भी काफ़ी अच्छा बन सकता है, HR एज ए मार्केटिंग, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो MBA कर सकते हैं अगर आप मार्केटिंग वर्क करना चाहते हैं तो। और गाइस, अगर आपको चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर में कोई इंजीनियर बने या फिर सॉफ्टवेयर का काम करें तो इसके लिए आप M.Tech कर सकते हैं। M.Tech आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर के सारे काम कर सकते हैं। आप चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर मेकर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप चाहें तो M.Tech कर सकते हैं। M.Tech की जो ड्यूरेशन है यानी कि अगर आपको M.Tech करते हैं तो सिर्फ 2 साल लगेंगी। फीस भी अगर ज़्यादा नहीं है, अगर आप चाहें तो सरकारी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपकी जो है M.Tech हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहे कर सकते हैं। सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है ये M.Tech का, और M.Tech ही बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। M.Tech करने के लिए आपके पास V.Tech होनी चाहिए या फिर BE होनी चाहिए या फिर MCA होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद में ही आप M.Tech कर सकते हैं। अब गाइस, इसके बाद में बात करते हैं हम PGPM की, ठीक है, PGPM की। तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें तो इस कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का काम होता है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए दिया जाता है। लाइक सॉफ्टवेयर का जितना भी काम होता है, नेटवर्क सोशल का जितना भी काम होता है, वो PGDM PGPM में आता है।
इस कोर्स की ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है ये, और बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है। इस कोर्स में क्या होता है कि जितने भी सोशल नेटवर्क काम होते हैं, जितने भी लैपटॉप के जितने भी काम होते हैं लाइक इंटरनेट सोशल, या फिर जितने भी ब्लॉगर्स के काम होते हैं, जितने भी वेबसाइट मेकर के काम होते हैं, वो सारे इस कोर्स के अंदर आ जाते हैं। सिर्फ 1 साल का कोर्स होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एज ए फ्रीलांसर है, यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद में कहीं पर भी किसी भी तरीके की जॉब बहुत आसानी से ले सकते हैं इसी काम के अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स रहेगा आपके लिए, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस अगर हम बात करें तो ये कोर्स भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, PGDEMA। इसके बारे में आपको पूरी चीज़ें बता देना चाहता हूँ, PGDEMA, ठीक है। लाइक गाइस अगर इसकी हम बात करें तो ये एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होता है, ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिवेशन का। इसमें आपको जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी यानी कि कितने टाइम में ख़त्म होगा ये कोर्स, तो गाइस जो टाइम रहेगा वो 1 साल रहेगी, ठीक है। 1 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन करे हुए हो। यहाँ पर आपको क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी एज ए मान के चले हम जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, लाइक जितने भी सॉफ्टवेयर के काम होते हैं वो सारे आपको इसमें बताए जाते हैं। तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इस समय सबसे ज़्यादा ये कोर्सेस चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेटर कोर्स रहेगा आपके लिए, अगर आप चाहें तो ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ऐसे कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड चल रही है। और आने वाले समय में डिजिटल इंडिया हो गया, तो सबसे ज़्यादा काम जो होते हैं वो सभी काम लैपटॉप या पीसी या फिर ऑनलाइन या फिर नेटवर्क के थ्रू होते हैं। तो इसके लिए आपको ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा लाइफ टाइम तक के लिए, आपको आने वाले समय में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसे कोर्सेज करते हैं। तो भाई ये सभी पॉपुलर कोर्सेज हैं, तो आपको इसके बारे में और भी बताता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चाहें तो जो है होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट के लिए आपको जानते होंगे होटल मैनेजमेंट तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो होटल मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो टाइमिंग रहेगी वो सिर्फ 1 साल की हो गई है, ठीक है, 1 साल की टाइमिंग रहेगी। और आप इसके लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो आपकी किसी भी साइड से या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ किसी भी ग्रेजुएशन से जो है किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो। और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी यानी कि इसकी जो टाइमिंग रहेगी इस कोर्स की, वो सिर्फ 1 साल है। 1 साल में आप जो है होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। तो होटल मैनेजमेंट का भी इस समय काफ़ी कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो आपका इस में भी इस लाइन में भी काफ़ी अच्छा जो है वो करियर बन सकता है। तो गाइस अब हम यहाँ बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग तो आप जानती होंगे, डिजिटल मार्केटिंग का तो इस समय इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबसे ज़्यादा इस समय जो है डिजिटल मार्केटिंग का कॉम्पिटिशन चल रहा है, और सबसे ज़्यादा कमाई भी डिजिटल मार्केटिंग में हो रही है गाइज। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फॉर्मूला बन चुका है जहाँ से कि लोग 1 महीने में 1 साल की कमाई कमा लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोर्स करना इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोर्स अगर आप करेंगे तो इसमें आपको सारी नॉलेज दी जाती है, सारी जो आपको चीज़ें समझाई जाती हैं क्या क्या किस तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें अफोर्ड करनी चाहिए, किस तरीके से आपको सारे काम करने चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स रहेगा, इसका नाम है PGDEMA। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं, मैं तो आपको सजेशनमेंट करूँगा कि आप इसी कोर्स को करें, बहुत ही ज़्यादा बेटर कोर्स रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में और इस समय में सबसे ज़्यादा जो कोर्स चल रहा है, सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की है। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका करियर जो है वो अच्छे पॉइंट पर बन सकता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 साल है, 1 से 2 साल यानी कि लास्ट 2 साल, 2 साल में आपको ये कोर्स कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, यानी कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी फील्ड से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गाइज इसका जो लेवल है इसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोला जाता है, अगर आप ये समझें कि ये कोर्स है ऐसा कुछ नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को करें, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सबसे बेटर कोर्स रहेगा ये आपके लिए। अब गाइज इसके बाद में बात करते हैं PGDEMA की। तो गाइज ये एक इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स होता है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को करें, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, बिजनेस कोर्स, यानी कि एक ऐसा कोर्स है जहाँ से कि आप कहीं ना कहीं से, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो कहीं ना कहीं से आप घर पे नहीं बैठ सकते, यानी कि बेरोजगार नहीं हो सकते आप। यहाँ पर आपको बिजनेस का पूरा कमांड सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर। तो गाइज ये भी कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर देन रहेगा, अगर आप चाहते हो तो इस कोर्स को कर सकते हैं।
अब गाइस इसके बाद में बात करते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो PGDSE, ठीक है। तो गाइस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा डिप्लोमा है, एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद में आप घर पर बैठ ही नहीं सकते। अगर आप घर पर भी बैठेंगे तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि एक ऐसा कोर्स है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ऐसा कोर्स है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती गाइस। तो इस कोर्स की सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबसे ज़्यादा इस कोर्स को लोग कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है और इसकी अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो इसमें टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ एक साल का कोर्स है। एक साल में आप इस कोर्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स का जो लेवल है वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है। इसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन बोला जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप समझेंगे कि ये कोर्स नहीं है तो भाई ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर कोर्स रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसकी जो ड्यूरेशन है वो एक साल मैंने बताई है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो किसी भी साइड से, जो है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी फील्ड से आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप इसके लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए, अगर आप चाहें तो PGDSE कर लें, काफ़ी बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए। आपका यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉमर्स, ठीक है, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। अगर आप कॉमर्शियल साइड से हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, सबसे ज़्यादा बेटर कोर्स? ये एक छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो कि अगर आप फाइनेंशियल या फिर एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए। तो गाइस इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वन मंथ का ये कोर्स होता है। एक छोटा सा कोर्स है जिसमें कि आप बीकॉम के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स का करने के बाद में ये है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं, ठीक है। और इसमें आपको इस कोर्स को करने के बाद में आप जो है अकाउंटेंट या फिर छोटी मोटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा कोर्स है, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो गाइस इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेस हैं और भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप चाहें तो M.Com कर सकते हैं, M.Com भी सही है, ठीक है। आप M.Com भी कर सकते हैं, M.Com भी ठीक है, लेकिन जितने मैंने कोर्सेज बताए हैं वो सभी कोर्सेज अच्छे ही हैं। इसके बाद में आप अगर चाहें, अगर और भी चाहें तो PGDM फाइनेंस कर सकते हैं, ये भी कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे कि आप कौन कौन से कोर्सेज करें जिसमें कि आपको करियर बहुत अच्छा बन सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अलग तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ इस तरीके का पोस्ट ग्रेजुएशन करें जहाँ से कि आपका करियर बन सके, आपको कोई दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाए सारी चीज़ें, तो आपके लिए ये कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि ऐसे कोर्सेज हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जिनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती रहेगी गाइज। तो गाइज अगर आप इसकी और भी ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पर ही ऊपर। तो आप वहाँ से अगर डायरेक्टली विजिट करें और आप भी इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें और पता कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइज ऐसा करते हैं, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इन कोर्सेज के लिए आपको एडमिशन्स कहाँ मिलेंगे, इसके लिए मैं और भी वीडियोज़ डालता रहूँगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे इन कोर्सेज के लिए एडमिशन्स आएंगे मैं आपको तुरंत वीडियो बना करके बता दूंगा कि इसमें आपके लिए ये कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पर अगर नए आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे अपडेट होते रहें। तो गाइस ऐसा करते हैं, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।